यशोदा मैया कहने लगी कि मैं तो गोबर धन को चाहूं मेरी पीर मेरी बहन माने मेरो मनुआ
चढ़े ओ पाल चढ़े ओ फूल चढ़े ओ पाल चढ़े और फूल चढ़े ओ पाल चढ़े ओ फूल चढ़े और पहे तू तकीदा किया। एक तरफ तो स्वयं भगवान मुरली मनोहर कन्हैया गोवर्धन बन करके बैठ गए, काहे कि तो नामो तत्व रूपा तत्व गुणा तत्व नामो रूपा। भगवान मुरली मनोहर कन्हैया जितने नाम है उतने गुण हैं और जितने गुण हैं उससे ज्यादा उनके नाम हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
एक तरफ तो भगवान श्याम सुंदर खुद गोवर्धन पान पान करके बैठ गए और एक तरफ श्याम बाबा नंद यशोदा मैया के साथ खिलवा रहे हैं, खाना भोजन करा रहे हैं, खुद खा रहे हैं और खुद खिलवा रहे हैं कि देखो मैया बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, बाबा देखो मेरे गोवर्धन कितना भूखो है, कितनी जोर से खा रहा है। बोले हाँ लाला, मुझे तो विश्वास नहीं था कि तेरा गोवर्धन खाएगा। बोले देख बाबा और खिला इसको, और स्वयं सबकी प्रसादी खाने लगे। स्वयं गोवर्धन भगवान, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, जय हो। सारे दिन बड़ा प्रेम से गोवर्धन भगवान की पूजा कराइए, और जैसे शाम को ब्रजवासी अपने सब बाल बस गए, इधर इंद्र इंतजार कर रहा है कि आज ब्रजवासियों ने हमारा पूजन नहीं किया है, इंतजार कर रहा है क्या बात है, ये ब्रजवासी गमार तो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा दिन भूल गए हो इसलिए हमारी पूजा नहीं की है। तब तक तो ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद राजा इंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं। इंद्र बड़ा उदास मन बैठा है, नारद जी पहुंचे, देवर्षि नारद को पूछा, नारद ने पूछा कि कैसे उदास हो देवराज इंद्र। बोले पता नहीं है, वो गमार ब्रजवासियों ने आज हमारी पूजा नहीं की है, जाने भूल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। देवर्षि नारद कहने लगे देवराज इंद्र आपको मालूम नहीं है कि मां स्वयं ब्रह्म का अवतार हो चुका है उस ब्रज में, और आप कह रहे हैं ब्रजवासी भूले हुए। बोले फिर हमारी पूजा क्यों नहीं हुई? बोले पूजा तो हो चुकी है लेकिन आपकी नहीं हुई है, और पूजा तो वहां हुई है, गोवर्धन पहाड़ की पूजा कराई है। किसने कराई? ब्रजवासियों ने की है। एकदम इंद्र को क्रोध आया प्यारे भगवत प्रेमियों, एकदम उसने बादलों से कहा कि काले काले बादल आ जाओ, तेज घटाएं पानी लेकर के सारे ब्रज मंडल को और बर्फ की शिलाएं गिरा दो, और खेती पर ओले बरसा दो, पशुओं पर महाप्रलय कर दो। ए भैया आदेश दिया तब तक पर तेज पानी तूफान लड़ाने लगे प्यारे भगवत प्रेमियों को हार कर दिया है। और इंद्र सारे ब्रजवासी एक श्याम सुंदर के पास जा रहे हैं, तेज मूसलाधार इंद्र ने कराई है। उस मथुरा में बोहाल कर दिया है, एकदम मूसलाधार बारिश आई है प्यारे भगवत प्रेमियों। सारे ब्रजवासी एकदम कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे कृष्ण ये क्या हो रहा है, क्या देख रहा हूं, पल भर में ये ब्रज टूट जाएगा, देख रहा है श्याम सुंदर आज प्यारे भगवत। देखा कहने लगे श्याम देखिए क्या हो रहा है, इंद्र ने घेर लिया, इंद्र क्रोधित है और ये छोड़ेगा नहीं, तूने गोवर्धन की पूजा कराई श्याम अब क्या होगा। भगवान कहने लगे देर मत करो, सब ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ के नीचे पहुंचो फटाफट। एकदम सारे ब्रजवासी और गोवर्धन पहाड़ के पास जाते, जैसे गोवर्धन पहाड़ के पास पहुंचे सारे ब्रजवासी, अब भगवान श्याम सुंदर ने और एकदम अपनी अंगुली पर उस गोवर्धन पहाड़ को तुरंत ही धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। जैसे भगवान ने गोवर्धन पहाड़ जैसे उठाए, एकदम यशोदा रानी भगी चली आई, बाबा नंद सारे ब्रजवासी कहने लगी मेरा श्याम छोटा है और इसने इतना भारी गोवर्धन पहाड़ उठा लिया है, अरे भैया सब लोग तनक सहारा लगा दो। Thank you.
सोता है कि सब लोगों की हाथ जोड़ रही है। अरे भैया मेरे श्याम अकेलो है, तुम भी ना हाथ सहारा तनक लगा दो। क्यों कहीं यशोदा मैया लाला की नरम कलैया, भगवान बुलाने लगे बाबा कहाँ हो, शीघ्र इधर आ जाओ, ए राधा इधर आ जाओ, यशोदा मैया इधर आ जाओ, तुम लोग बाहर क्यों हो। कि पर्वत के नीचे आ जाओ, कि वो बर्धन के नीचे आ जा, क्यों भी Thank you.
सारे पर्वत के नीचे सबको बुला लिया। इधर इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा बंद नहीं किए भगवत प्रेमियों, 7 दिन तक मूसलाधार पानी आया। लेकिन स्वयं नारायण भगवान को ब्रह्म थे, उस गोवर्धन पहाड़ को इतना गर्म कर दिया, एक भी बूंद श्याम सुंदर ने नीचे नहीं आने दी, सारे ब्रज का पानी उस गोवर्धन पहाड़ पर तार लिया। बोलिए गोविंद भगवान। इधर मनपुर इंद्र होने लगा देवराज इंद्र। देवर्षि नारद ने कहा, इंद्र इतना घमंड मत करिए जितना तुम किए बैठे हो, वहां भगवान का अवतार हो चुका है, स्वयं ब्रह्म का अवतार है इंद्र, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए तो यही भला है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इंद्र आता है और ऐरावतहाती से एकदम उतर करके भगवत प्रेमियों, और जब आया ब्रज में तो स्वयं आकर के भगवान कृष्ण चंद्र यशोदा मैया बलराम भवानंद सारे ब्रजवासियों को इंद्र हाथ जोड़ता हुआ चलाया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।